गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ग्रोइंग मीडिया एंड इट्स कंपोजिशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस व्हाट इज ग्रोइंग मीडिया। क्या होता है ग्रोइंग मीडिया? कोई भी मटेरियल हम यूज करते हैं प्लांट को ग्रो करने के लिए, उसको क्या बोला जाता है? पॉटिंग मटेरियल। ठीक है, तो जो सबस्ट्रेट और मीडियम हम यूज करेंगे प्लांट को ग्रो करने के लिए, उसको क्या बोलेंगे? ग्रोइंग मीडियम बोलेंगे। जो मीडिया है वो सोर्स है मिनरल न्यूट्रिएंट्स का, मॉइस्चर का और प्लांट की सपोर्ट का। फर्स्ट है मिनरल सोर्स। मिनरल सोर्स क्या होगा, कैसे होगा? जैसे मान लो कि सॉइल भी एक मीडिया है ना। एक होता है सॉइल मीडिया, एक होता है सॉइललेस मीडिया और एक होता है वाटर एज अ मीडिया, है ना। तो मिनरल सोर्स क्या है? जिससे हम प्लांट को न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। मॉइस्चर सोर्स क्या है? कि जो मीडिया होगा उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगी और वो मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा प्लांट को। नेक्स्ट है कि प्लांट सपोर्ट। जो मेजर फंक्शन है मीडिया टू अफोर्ड मैकेनिकल सपोर्ट फॉर द प्लांट एंड इट्स रूट्स व्हाइल आल्सो इंश्योरिंग ऑप्टिमम मॉइस्चर एंड एरिएशन फॉर द रूट्स। ठीक है, नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रोइंग मीडिया। कौन कौन से होते हैं? लाइक फर्स्ट होता है ग्रोइंग मीडिया। मीडियम में कौन सा आएगा? सॉइल। सॉइल एज अ ग्रोइंग मीडियम। सॉइल इज अ बेसिक नेचुरल मीडियम फॉर ग्रोइंग प्लांट्स एंड इट इज नीडेड द चीपेस्ट सोर्स। लोमी एंड पोरस सॉइल्स रिच इन ऑर्गेनिक मैटर विद न्यूट्रल पीएच इज गुड फॉर ग्रोइंग ऑफ प्लांट। ओके, सॉइल इज मिक्स्ड विद सैंड एंड FIM 2:1:1। दो रेशो किसकी होंगी? सॉइल की होगी। एक पोर्शन होगा सैंड का और एक पोर्शन होगा फार्म यार्ड मैन्योर का। हम सैंड क्यों ऐड करेंगे? इसीलिए ऐड करते हैं क्योंकि कुछ जो सॉइल्स होती हैं वो क्ले ही होती हैं, उनमें गुड एरिएशन नहीं होता। इसी वजह से हम बेटर एरिएशन और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और न्यूट्रिएंट सप्लाई के लिए हम ये रेशो रखते हैं। प्रॉब्लम्स क्या आती हैं अगर हम सॉइल में लगाएंगे प्लांट को? तो पहला कि हम डिफिकल्ट होता है उसमें मेंटेन करना न्यूट्रिटिव वैल्यू और पीएच, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, क्योंकि कुछ सॉइल्स क्ले होती हैं, कुछ सैंडी सॉइल्स होती हैं, इसी वजह से। ठीक है, सॉइल बॉर्न पैथोजन की वजह से डिजीजेस आ जाती हैं प्लांट में। ठीक है, तो नेक्स्ट है कि सॉइललेस सबस्ट्रेट एज ग्रोइंग मीडिया। कि कौन सा सॉइललेस सबस्ट्रेट है हम यूज करेंगे एज अ ग्रोइंग मीडिया? वो सॉइललेस मीडिया भी हो सकता है, वो वाटर भी हो सकता है। ठीक है, कुछ डिफरेंट मीडियाज हैं जिसको हम यूज करते हैं एज अ सबस्ट्रेट। सॉइललेस सबस्ट्रेट मीन जिसपे हम सॉइल का यूज नहीं करते। सॉइललेस मीडिया हम सॉइल का यूज करेंगे ही नहीं, है ना। जो प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स होती हैं उनका जो प्रॉब्लम है कि ग्रो नहीं होते, प्लांट नहीं अच्छे से हो रहे, वो प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए क्या करते हैं? हम सबस्ट्रेट, अदर सबस्ट्रेट यूज करते हैं। ठीक है, वो सॉलिड मीडिया भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है। ठीक है, उसको हम सॉइललेस कल्चर भी बोलते हैं। एडवांटेजेस क्या है कि जो सॉइललेस कल्चर होगा वो, उसमें हम पहली बात की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है प्रॉपरली मेंटेन करेंगे, जितनी प्लांट को चाहिए उतनी दे देते हैं। पैथोजन फ्री होता है, डिजीजेस नहीं आते, है ना। तो फर्टिलाइजर मोर इकोनॉमिकल हो जाता है कि जितना हमें चाहिए या प्लांट को चाहिए उतना ही हम देते हैं प्लांट को। लेबर सेविंग हो जाती है वीडिंग में, फर्टिलाइजर एप्लीकेशंस में, और बेसल डोज होती है जो मैन्योर की, वो सेव हो जाती है, और क्रॉप हम कल्टिवेट कर सकते हैं अंडर प्रॉब्लमेटिक सॉइल कंडीशन। डिफरेंट मीडिया और सबस्ट्रेट कौन कौन से है? फर्स्ट जो मेजर यूज किया जाता है वो है कोकोपीट। कोकोपीट क्या होता है? ये कोकोनट होता है ना, जो उसका बुरादा होता है, वो बाय प्रोडक्ट होता है, उसको हम कोकोपीट बोलते हैं। और वाइडली यूज किया जाता है, इकोनॉमिकली भी सही है, लो कॉस्ट है इसकी, एरिएशन गुड है इसमें, ड्रेनेज फैसिलिटी प्रॉपर है, लॉन्ग लाइफ है, मोर ओवर कि ये बायो प्रोडक्ट है कि हम उसको रीयूज कर रहे हैं। ठीक है, और ब्रिक्स होती हैं इसकी। जल कैसे यूज करते हैं वो बता देती हूँ। ब्रिक्स
होती हैं, ब्रीफ को हम भिगो देते हैं और फिर वो अलग अलग हो जाता है बिल्कुल, जैसे फोटो में शो हो रहा है कोकोपीट वैसा ही। ठीक है, नेक्स्ट है वर्मिकुलाइट। वर्मिकुलाइट क्या होता है? ये एक एल्यूमिनियम आयरन मैग्नीशियम सिलिकेट है, वो किससे बनता है? मिका लाइक मिनरल्स होती हैं विच एक्सपेंड टू ओपन फ्लेक स्ट्रक्चर ऑन हीटिंग हाई टेम्परेचर। जो वर्मिकुलाइट है वो वेरियस ग्रेड में अवेलेबल है, पार्टिकल साइज अलग अलग रहेगा। ठीक है, और हम इसको लेते हैं डिपेंडिंग अपॉन नर्सरी पॉट्स की, अगर हमने स्मॉल नर्सरी पॉट लगाने हैं या स्मॉल नर्सरी लगानी है उसके लिए हम स्मॉल साइज के पार्टिकल्स लेंगे, अगर लार्जर प्लांट लगाने हैं तो उसके लिए हम बड़े साइज के भी ले सकता है पार्टिकल साइज। तो मेनली क्या काम है इसका कि ये न्यूट्रल पीएच रखता है और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी अच्छी है इसकी, गुड एरिएशन कैपेसिटी है और लो बल्क डेंसिटी है। हम वर्मिकुलाइट भी यूज करते हैं और परलाइट भी यूज कर सकते हैं। परलाइट क्या होता है? क्रस्ट वोल्केनिक रॉक है। और ये कैसे बनता है? वोल्केनिक रॉक से बनता है। ठीक है, परलाइट का जो पीएच है वो भी न्यूट्रल है, एयर स्पेस अच्छी है, दोनों के मीन्स काम तो थोड़े सेम ही है। ठीक है, कि वाटर ड्रेनेज फैसिलिटी अच्छी है इसकी और एयर स्पेस एरिएशन अच्छा है और ये इजीली ना जिसके जो इसके पार्टिकल्स होते हैं इजीली ब्रेक नहीं हो सकते। ठीक है, तो वो होल्ड कर सकते हैं 2 to 3 times ऑफ वाटर इक्वल टू इट्स वेट इन अ वाटर। यूज ऑफ परलाइट कीप्स द वेट ऑफ मीडिया लेसर इन कंपेरिजन टू द सॉयल। ठीक है, नेक्स्ट है रूक वॉल, रॉक वूल। रॉक वूल क्या है? इट इज अ बर्नट मिक्सचर ऑफ कोक, बासाल्ट, लाइमस्टोन एंड ऑल्सो द स्लैग फ्रॉम आयरन प्रोडक्शन। इट इज ग्राउंड टू प्रोड्यूस अ फाइन पाउडर और ग्रेनुलर फॉर्म। दिस पाउडर फॉर्म यूज इन मीडिया प्रोवाइड गुड एरिएशन, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। नेक्स्ट इज सैंड। सैंड जो है वो हम सॉइल में भी यूज करते हैं। ठीक है, कि एरिएशन के लिए पार्टिकल जो होते हैं उनका जो साइज है वो थोड़ा मैनेज करने के लिए। ये बेसिक कंपोनेंट है सॉइल का, और पार्टिकल साइज कितना होना चाहिए अगर हम एज अ सैंड हम यूज कर रहे हैं तो कितना होना चाहिए? 0.05 mm to 2 mm इन डायमीटर। इट इम्प्रूव एरिएशन। क्या काम है इसका हम यूज कर रहे हैं तो? ड्रेनेज और नीड मिनिमम कॉस्ट। हम इसको स्टरलाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सॉइल को हमें स्टरलाइज करना मुश्किल रहता है, हम सैंड को स्टरलाइज भी कर सकते हैं। राइस हस्क भी यूज करते हैं, बार्क भी यूज किया जाता है। ठीक है, और पीट मॉस और सार्डस्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है कि पीट मॉस क्या है कि सिंपली पीट मॉस बोला जाता है इसको। पीट इज अ मोस्ट पॉपुलर कंपोनेंट ऑफ सॉइलेस सबस्ट्रेट मीडिया और लोअर कॉस्ट है इसकी, इजीली अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, और कहाँ से बनता है? प्लांट मटेरियल के डिकम्पोजिशन से बनता है इन पीट बॉक्स वेयर ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी इज लो। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी है इसकी, हाई कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी। एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो इसमें ऐड हो रहा है कि हाई कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी होती है इसकी, लो न्यूट्रिएंट कंटेंट्स होता है लेकिन जो पीएच है वो भी लो रहेगा। और इसमें हम क्या करते हैं फिर पीएच को बैलेंस करने के लिए लाइमस्टोन ऐड करते हैं। अगर एसिडिक है पीएच तो हम क्या यूज करेंगे? लाइमस्टोन। अगर अल्केलाइन है तो हम क्या यूज करते हैं? जिप्सम। वेरी गुड। सॉडस्ट। सॉडस्ट क्या है? सिमिलर है पीट मॉस से मेनी वेज, डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ ट्रीज। इट मे कंटेन टॉक्सिक सब्सटेंस सच एज रेजिन्स, टैनन्स एंड टर्पेंटाइन। इट इज एसिडिक इन नेचर एंड रिक्वायर लाइमस्टोन टू न्यूट्रलाइज इट। क्योंकि एसिडिक है, पीएच लो रहेगा, इसी वजह से उसमें लाइमस्टोन हम
यूज करते हैं. नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ मीडिया. मेनी सब्सट्रेट आर अवेलेबल दैट कैन यूज्ड सिंगली, सिंगल सिंगल भी हम यूज करते हैं, कॉम्बिनेशन में भी यूज करते हैं. डिपेंडिंग अपॉन क्रॉप रिक्वायरमेंट सच एज प्लांट सपोर्ट, एरिएशन, न्यूट्रिएंट, मॉइस्चर रिटेंशन, द अवेलेबिलिटी, द सिलेक्शन ऑफ कंपोनेंट जनरली डिपेंड्स अपॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कॉस्ट एंड एक तो अवेलेबिलिटी हो गई, एक होगी कॉस्ट की क्या चीज हमें इजीली अवेलेबल हो रही है और किस चीज का हमें लो कॉस्ट है. स्टैंडर्ड सॉइलस कंपोजिशन इंक्लूड कंपोजाइट मिक्सचर ऑफ कोकोपीट, वर्मिकुलाइट, वर्मिकुलाइट एंड परलाइट. अगर स्टैंडर्ड देखें मेनली जो कमर्शियल लेवल पे हम यूज करते हैं नर्सरीज में या कमर्शियल लेवल पे प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के अंदर मीडिया, सॉइलस मीडिया हम यूज करते हैं वो कौन सा है, कितनी रेशो में है? 3:1:1. तीन पार्ट्स है वो कोकोपीट के लेंगे, एक पार्ट वर्मिकोलाइट का लेते हैं और एक पार्ट परलाइट का लेते हैं. कुछ केसेस में क्या है कि कोकोपीट अलोन भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन क्या है वहां पे हमें जो ग्रोइंग मीडिया है उसको कैल्शियम नाइट्रेट से ट्रीट करना होगा. क्यों ट्रीट करना होगा? ताकि जो इसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं और जो पीएच है वो मेंटेन कर सकें. इफ टिम्बर इज अवेलेबल इन अबंडेंस यूज ऑफ बार्क एज ग्रोइंग मीडिया. सैंड इज एडेड टू बार्क बिकॉज इट सेटल्स इन स्पेस एंड नेस्ट अमाउंट Among the bark particles, thus adding more surface area. As a consequence, more air and water are available in the given volume of substrate. ये जैसे पहले बताया था मैंने कि sand हम use करते हैं, जो aeration होता है ना soil के अंदर या कोई भी media, in relation to media हम sand use कर रहे हैं, तो जो aeration होगा particles में स्पेस रहेगी उसको मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए. ऑफन पीट मास इज आल्सो एडेड टू द बार्क टू फर्दर इंक्रीज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एज वेल एज न्यूट्रिएंट रिटेंशन. देखो अगर हमने अदर कोई भी सबस्ट्रेट मीडिया यूज कर रहे हैं अदर देन कोकोपीट, वर्मिकुलाइट, परलाइट, तो हमें काफी चीजें ऐड करनी पड़ेंगी. जैसे हमने बार्क यूज किया, मान लो पार्क में हम क्या ऐड करेंगे, सैंड भी ऐड करेंगे, पीट मॉस भी ऐड करेंगे, है ना, तो फिर भी उसका उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता जितना अच्छा कोकोपीट, वर्मिकुलाइट और परलाइट के रिलेशन से आता है. सो ये था ग्रोइंग मीडिया. और अब हम बात करते हैं कि ग्रोइंग मीडिया हम क्यों यूज करें, हमें क्या जरूरत है, हम सॉयल में अच्छे से कर लेते हैं, है ना. पहले भी हमने थोड़ा डिस्कस किया इसके बारे में, तो थोड़े से पॉइंट हम रिवाइज कर लेते हैं. पहली बात कि प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स, कुछ एरिया में प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स होती हैं जहां पे कुछ भी ग्रो कर ही नहीं सकते. हमने प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन लगा लिया, हमने कोई भी ग्रीन हाउस लगा लिया, वो प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स में लगा लिया, तो वहां भी क्या है कि हम सॉइल में तो क्रॉप ग्रो नहीं कर सकते या होती ही नहीं है, है ना, या ज्यादा एसिडिक है, अल्केलाइन है, सैलिनिटी लेवल है ज्यादा है, तो वहां पे क्या करते हैं हम फिर सॉइलेस मीडिया यूज करते हैं. पॉट्स में हम प्लांट लगाते हैं, ठीक है, ग्रीन हाउसेस में. फर्स्ट हुई बात हुई होगी. सेकंड हो गया मेन कि इसमें डिजीजेस नहीं आते, डिजीज इंसिडेंस कम हो जाता है. कैसे? जो सॉइल बॉर्न डिजीजेस है, मेनली जो फंगल डिजीजेस होती हैं वो सॉइल बॉर्न डिजीजेस ही होते हैं, ठीक है. नर्सरी अच्छी से ग्रो होती है और इजी ग्रो होती है इन द सॉइलेस मीडिया. आप लोगों ने देखा होगा कि प्रो ट्रेज में नर्सरीज लगाई जाती हैं आजकल, और जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में मेनली प्रो ट्रेज में लगाई जाती है ना, तो वहां पे जो मीडिया है वो सॉइलेस मीडिया ही हम यूज करते हैं, सॉइल नहीं यूज करते. और फर्दर हमने क्रॉप लगानी है, प्लांट जब ट्रांसप्लांट करने हैं वो भी हम सॉइलेस मीडिया में ही करेंगे, ठीक है. और नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि फर्टिलाइजर्स, हम
सॉइल में क्या करते हैं, अबंडेंस में फर्टिलाइजर यूज कर लेते हैं और लीचिंग हो जाती है न्यूट्रिएंट्स की, प्रॉपरली न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते जितने प्लांट को चाहिए, हम उससे डबल न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर डालते हैं, लेकिन फिर भी प्लांट की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती। क्यों? क्योंकि लीच आउट हो जाते हैं न्यूट्रिएंट्स, और हम ऐसे ही डाल देंगे तो प्रॉपरली प्लांट को भी मिलेगा और अदर जो स्पेस रहेगी बीच में वहां पे वीड्स वगैरह ग्रो हो जाते हैं, है ना। ये एक प्रॉब्लम हमारी सॉर्ट आउट होती है कि जितना हमें, जितना प्लांट को रिक्वायरमेंट है हम उतना ही फर्टिलाइजर अप्लाई करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है कि वीडिंग सबसे ज्यादा लेबर इंटेंसिव है जो चीज, वो है वीडिंग, है ना। तो वीडिंग होगी, क्रॉप कंपटीशन हो जाएगा, क्रॉप कंपटीशन होगा तो हमारे प्लांट की यील्ड कम आएगी, तो नुकसान किसका हुआ, हमारा, मतलब फार्मर का। हमने तो ओवरकम करनी है ये सारी प्रॉब्लम, है ना। तो इसीलिए हम फिर क्या है कि अगर हम, क्योंकि अगर वीड्स, वीड सीड होंगे तभी वीड्स आएंगे, अगर वीड सीड ही नहीं होंगे जब मीडिया में तो वीड्स ही नहीं आएंगे, इंसिडेंस कम हो जाता है वीड्स का, ठीक है। तो क्या है, वीडिंग ही नहीं करनी पड़ेगी, लेबर रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, नंबर ऑफ लेबर्स कम हो जाएंगे, क्योंकि हम वीडिंग ही नहीं करेंगे तो लेबर जीरो फॉर वीडिंग, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, ड्रेनेज फैसिलिटी ज्यादा होती है, प्रॉपर प्लांट अच्छे से ग्रो करता है, ठीक है। तो ये था ग्रोइंग मीडिया, इट्स अबाउट ग्रोइंग मीडिया टॉपिक। थैंक यू स्टूडेंट्स।